फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, स्वागत है आपका मेरी अनदर वीडियो में। सो गाइस, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में, इससे पहले वीडियो में, कि मैं आपके लिए जैसा सवाल वैसा जवाब सेकंड चैप्टर पे वीडियो लेके आऊँगी। सो गाइस, जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो चीज़ मैं लेके आ गई हूँ। तो जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, अभी सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उन वीडियो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करो ताकि वो भी इन चीज़ों की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। और अब देर नहीं करते, चलते अपनी वीडियो पे। तो चलो हम अपनी वीडियो पे चलते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर ने अपनी मंत्री अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर अभिमान था। बीरबल को तो वो अपने सामने नीरा बलक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोचा सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर सबके छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी आप मेरे तीन सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। खज्जा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे तीन प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोला, जहां पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गड़ाकर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वह फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह है तो वह बालों को गिनकर तारों की तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोग को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे जवाब ही होते हैं, पहले मेरे जवाब को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो गाइस, यहाँ पे ख़त्म हो गई हमारी स्टोरी। तो गाइस, यहाँ पे ये पोयम ख्वाजा सरा और बीरबल और अकबर के बीच में थी। यहाँ पे ख्वाजा सरा बीरबल से जलते थे। वो कहते थे कि बीरबल मतलब ऐसी बातें करता है और वो खुद को बहुत ज्यादा मतलब दिमाग बुद्धिमान मानता है तो इसलिए उन्होंने कुछ तीन ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछे। और क्या
बीरबल ने फिर उसके जवाब भी उल्टे सीधे ही दिए, तो वो इसलिए इस स्टोरी का नाम रहा हो गया जैसा सवाल वैसा जवाब। तो गाइस इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी, तो अगर वो सेकंड पार्ट आपको देखना है तो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिले, और वो वीडियो में मैं आपके लिए बहुत जल्दी बनाऊंगी। और अगर आपको किसी और पोएम स्टोरी मैथ्स इंग्लिश या हिंदी पे कोई पोएम चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पोएम के क्वेश्चन आंसर और स्टोरी लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय।